Hello everyone, welcome to Jenny's Palette. Today we'll see how to make chocolate truffle at home. In simple language, is a chocolate ball bhi bol sakte hai. These yummy, delicious and pretty looking chocolate truffles are a heaven for all the chocolate lovers. अगर आपने इसे एक बार बना दिया तो आप इसे बार बार बनाते रहेंगे. So let's get started. If you haven't subscribed our channel yet, do subscribe for more amazing recipes. डार्क चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है. सो आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी बॉयल कर सकते हैं और यू कैन इवन यूज़ अ माइक्रोवेव टू मेल्ट. हियर आई हैव टेकन 2 कप्स अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट. आई एम यूजिंग अ डबल बॉयलर मेथड. टू दिस आई विल ऐड 1 कप ऑफ क्रीम. इसमें ऐड करेंगे 1 कप क्रीम. आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है. सो यू कैन इवन यूज़ मिल्क चॉकलेट इफ़ यू प्रेफर इट टू बी मोर स्वीट. मिक्स इट वेल टिल इट बिकम्स स्मूथ एंड थिक. जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्मूथ और थिक हो चुका है. सो चॉकलेट ट्रफल इज़ ऑलमोस्ट रेडी. रेफ्रिजरेट इट फॉर एटलीस्ट 2 hours और टिल इट इज़ फर्म. चॉकलेट ट्रफल फ्रीज होकर रेडी है. अगर ये थिक है और अगर ये शेप होल्ड कर पा रहा है इट मीन्स इट इज़ रेडी. तो इसके स्मॉल या मीडियम साइज के बॉल बना लेंगे एंड यू कैन कोट इट विद द कोका पाउडर. अगर शेप होल्ड नहीं करता है तो आपको और थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करना है. सो चॉकलेट ट्रफल विद कोका पाउडर इज रेडी. रेफ्रिजरेट अगेन. सिमिलरली आप इसके बॉल बना के इसे वर्मीसिली या फिर चोको चिप्स में भी कवर कर सकते हैं. चॉकलेट पिस्ताचियो ट्रफल बनाने के लिए आप ट्रफल में पिस्ता डाल सकते हो. कैन यूज अ होल पिस्ता और चॉप्ड पिस्ता. मेक अ बॉल एंड कवर इट विथ चॉप्ड पिस्ताचियोस. यू कैन मेक दिस इन एडवांस एंड रेफ्रिजरेट देम एंड कंज्यूम वेन एवर इट इज नीडेड. कोकोनट ट्रफल बनाने के लिए ट्रफल बॉल्स बना के डेसिकेटेड कोकोनट से कवर कर लें. रेडी. डबल चॉकलेट ट्रफल बनाने के लिए डार्क चॉकलेट ट्रफल के बॉल बना के एक वायर रैक या प्लेट के ऊपर रख दे. एंड नाउ वी विल कोट इट विथ मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट. तो मेल्ट किए हुए व्हाइट चॉकलेट से इसे कवर कर दे एंड अलाउ इट टू सेट. So our double chocolate truffles are ready. Similarly, you can also make white chocolate truffle. एक कप व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप क्रीम. इसमें क्रीम थोड़ा कम डालना है एज कम्पेयर टू द डार्क चॉकलेट ट्रफल क्योंकि व्हाइट चॉकलेट टेंड्स टू बी थिन. तो हमें ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो. अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप इसमें ज़्यादा व्हाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो. बट मेक श्योर इट इज़ थिक. सो व्हाइट चॉकलेट ट्रफल इज़ रेडी. टू मेक कुकीज़ एंड क्रीम ट्रफल टेक 1 कप ऑफ चॉकलेट ट्रफल व्हाइट चॉकलेट ट्रफल. इसमें ऐड करें चॉकलेट कुकी जिसे मैंने हल्के हाथों से तोड़ा हुआ है. मिक्स इट वेल.
और इसे सेट होने के लिए रखेंगे फ्रीज में फॉर अराउंड 3 आवर्स और टिल इट बिकम्स फर्म। एज यू कैन सी ये बहुत फर्म हो चुका है। मेक अ स्मॉल और मीडियम साइज बॉल और इसे रोल करेंगे क्रश्ड चॉकलेट कुकीज में। चॉकलेट कुकीज को क्रश कर ले और इसे कोट कर ले। लेट्स मेक व्हाइट चॉकलेट कोकोनट ट्रफल्स। सो टेक 1 कप ऑफ व्हाइट चॉकलेट ट्रफल एंड ऐड 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसे अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी हम सेट करने रखेंगे इन फ्रीज फॉर अराउंड 3 आवर्स और टिल इट बिकम्स फर्म। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप चॉकलेट ट्रफल को ओवरनाइट भी फ्रीज कर सकते हो। नाउ मेक स्मॉल और मीडियम साइज बॉल्स। यू कैन रोल इट इन डेसिकेटेड कोकोनट। Or you can roll it in chopped pistachios. So white chocolate coconut truffles are ready. आप इसे जैसे चाहो वैसे खा सकते हो with desiccated coconut और finely chopped pistachios के साथ। रेड वेलवेट ट्रफल बनाने के लिए अपने चॉइस की कुकीज ले और इसे क्रश कर ले। मेक अ पाउडर ऑफ द कुकीज ऑफ योर चॉइस। सो टेक 1 कप ऑफ क्रश्ड कुकीज। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, 1 टीस्पून कोका पाउडर एंड रेड फूड कलर एज रिक्वायर्ड। इसमें डालेंगे क्रीम, क्रीम ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करके हमें एक डो बनाना है। इस तरीके से एक थिक डो बनाना है। इस डो के हम बॉल बनाएंगे स्मॉल या मीडियम साइज के। Place these red velvet balls over a wire rack or a plate and coat it with white melted chocolate. Melt की हुई white chocolate से इसे coat कर लेंगे। तो यहाँ पे है crushed cookie powder और red color mix किया हुआ। Sprinkle it over the red velvet chocolate truffle and our red velvet chocolate truffles are ready. So all our chocolate truffles are ready. I hope you like this recipe and do give it a try. Thank you for watching.